वहीं शामली के टोडा बिजली घर पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के ऊन तहसील के टोडा बिजली घर का है, जहां आज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और परेशान होकर अब ग्रामीण धरने पर उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि टोडा बिजली घर पर करीब 1.5 साल से 5 एम्पियर का ट्रांसफार्म फूका हुआ है और टोडा बिजली घर पर जितनी भी मशीन है, कोई मशीन चालू स्थिति में नहीं है और टोडा बिजली घर पर लगने वाले किसी भी गांव की बिजली के तार सही नहीं है। कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत करने के बावजूद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जर्जर तारों की वजह से बिजली की समस्या हो रही है और वह टूट कर गिर जाते हैं। बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे करती है, वहीं बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसानों को दर दर भटकना पड़ रहा है और मजबूर होकर धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है। आला अधिकारी भी किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा जो आज टोडा बिजली घर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, क्या पूरा मामला है इसकी जानकारी दे थोड़ी। ये कुछ दिन से टोडा बिजली घर पर बिजली की समस्या चल रही है, क्योंकि ये आपकी जो बिजली की बीसीवी लगी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं जो जिनसे हैकर ऑपरेट होती है 11 kV लाइन, वो हैकर ट्रिप नहीं हो पाती है, परेशानी चल रही है। उसके किसी का वैक्यूम इंटरप्टर खराब है तो किसी का हैकर है, इस तरह की समस्याएं, उन समस्याओं को लेकर के किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी समस्या का हल कब तक हो जाएगा? समस्या का हल के लिए उच्च अधिकारी को सूचित कर रखा है, एस्टिमेट भी बनाए रखे हैं, देखो जल्द से जल्द समस्या सॉल्व करवाई जाएगी। जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, आपको आपने सूचना दी उनको? जी दे रखी है। क्या बोला उन्होंने? वो आश्वासन दे रहे हैं जल्दी से जल्दी कराने जल्दी कराने। आज टोडा बिजली घर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरा मामला है? यहाँ टोडा बिजली घर पे 1.5 साल से 5 MVA का ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और टोडा बिजली घर की जितनी मशीन है, कोई सी मशीन चालू स्थिति में नहीं है। और बल्ले माजरा चलाने के लिए जो है टोडा खेत और डाबर जोड़ दे जा, अगर डाबर के किसान को शटडाउन लेना हो तो पूरा फीडर बंद होगा, उसमें बल्ला माजरा बंद हो जाएगा और टोडा खेत भी बंद हो जाएगा। इसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके, लेकिन अधिकारियों पर सरकार में कोई जूं रेंगने वाला नहीं है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है किसी की बात को। ये सरकार में जो है एक तानाशाही की सरकार हो रही, किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज क्षेत्र के किसानों ने यहाँ बिजली घर पर धरना दिया और धरने में निर्णय लिया कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक जो है हम धरने पर लगातार रहेंगे। जितनी यहाँ बिजली की लाइन है, वो बल्ला माजरा की लाइन हो, वो टोडा खेत की लाइन हो, वो डाबर की लाइन हो, सब लाइन जो है अंग्रेजी शासन से पहली बनी हुई लाइन है, सबकी हालत जो है बहुत खराब है, जर्जर तार है और जितने भी इंसुलेटर हैं, कोई इंसुलेटर बांगा लग रहा, कोई तिरछा लग रहा, किसी भी लाइन में चलने की स्थिति नहीं है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सके, किसी किसान के साथ हादसा हो सके, लेकिन इसकी भी कई बार शिकायत कर चुके। हमने अपने जय साहब को बताया कि जय साहब हमारी बल्ला माजरा की लाइन बहुत खराब है, लेकिन जय साहब ने कहा कि मैं इसका एस्टिमेट बना दिया और वो चुनाव के बाद में आचार संहिता खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है इसमें हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं है, सब इनका जो है लॉलीपॉप है। और तुम्हारी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं, एक तो टोडा बिजली घर की सारी मशीनें बदलवाई जा और टोडा बिजली घर का 5 MVA का ट्रांसफार्मर बदलवाया जा और जितनी लाइनों के तार खराब हैं, मैं तार जल्दी से जल्दी बदलवाए जा। इसमें किसी अधिकारी को सूचना दी आपने? हाँ, इसमें हमारी जो है एक्शन साहब से बात हुई और SDO साहब से बात हुई और हमने जय साहब को अपने बीच में बैठा रखा, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा जय साहब को हम जाने नहीं देंगे। अगर इस धरना प्रदर्शन से आपका सलूशन नहीं होता, अगला कदम क्या होगा? उसमें जो है अगला कदम जो होगा, उसमें चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे हमें एक्शन का दफ्तर घेरना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा।